तो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा था। बेशरम आदमी। तो इसी खुशी में मैं आज बनाने वाला हूँ पूरे पाकिस्तान का मैप। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैप बनाने के लिए मुझे एक जगह तलाश करनी होगी। तो ये मेरे घर के पास जगह है, ये वाली जगह खाली है, लेकिन दोस्तों ये वाली जगह ना बहुत छोटी है, तो हम यहाँ तो नहीं बना सकते। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने एमरल्ड रेड फार्म पे। तो ये बड़ा काफ़ी सारा बड़ा समंदर है, लेकिन यहाँ भी दोस्तों हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके 8x8 चंक के आसपास हम कुछ भी नहीं बना सकते, वरना ये काम नहीं करेगा। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने क्रीपर फार्म पे, और ये बना हुआ है काफ़ी बड़े ओशन पे। तो इस तरफ ये वाली जगह काफ़ी बड़ी है और मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी जगह तो डिसाइड हो गई है, और अभी चलते हैं जितना भी हमारे पास सामान कलेक्ट करना है। मेनली तो हमें सिर्फ और सिर्फ वूल और कंक्रीट चाहिए। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, और अभी काफ़ी रात हो गई है, तो अभी सो जाते हैं और अगली सुबह इकट्ठा करेंगे ब्लैक कंक्रीट और काफ़ी सारा वूल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगली सुबह हो चुकी है और सामान इकट्ठा करने के लिए हमें शेल्कर बॉक्स चाहिए। तो शेल्कर बॉक्स की कमी नहीं है हमारे पास। तो अभी शेल्कर बॉक्स तो हमारे पास हो गए हैं, और जितने भी हमारे पास ये वूल हैं, ग्रीन वूल, तो ये जमा करना शुरू करते हैं। आप लोग देखो। तो हमारे पास सारे के सारे जितने भी हमें वूल चाहिए वो जमा हो गए हैं, बाकी जितनी कमी पड़ेगी वो आके हम फिर से ले लेंगे। तो चलो इनको कलेक्ट करते हैं। वाइट वूल भी ले लिया मैंने, और ये लाइम वूल। तो ग्रीन वूल मैंने इसलिए नहीं लिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने लाइम वूल ले लिया। अभी दो इंक सैक की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ब्लैक पाउडर बनाना है, मतलब ब्लैक कंक्रीट पाउडर। तो अभी देखते हैं कि मेरे पास पड़ा हुआ है, तो हाँ दो पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ और इसे ब्लैक डाई बना लेता हूँ। और ब्लैक डाई की अचीवमेंट मुझे पहली बार मिली है, मतलब इस वर्ल्ड में मैंने पहली बार बनाई है। तो चलो अब मैं आ गया हूँ अपने ये सैंड ड्यूपर पे, और यहाँ से मैं सैंड और ग्रेवल उठाऊँगा, तो उससे मैं ब्लैक कंक्रीट बनाऊँगा यहाँ पे। तो चलो 8 ब्लैक कंक्रीट हमारे पास बन चुकी है, और जितना भी ये फालतू सामान है ये यहाँ रखवा देंगे। और ये ब्लैक कंक्रीट अभी हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। और ये यहाँ पे क्यों नहीं लग रही? तो हाँ यहाँ पे लगेगी, सॉरी वहाँ पे नहीं लगनी थी। तो अभी हमने तकरीबन लगा दी है तीन, मतलब तीनों कोनों पे लगा दिए, एक को छोड़ दिया है, क्योंकि अभी 8 ही थे हमारे पास, ज़्यादा थे नहीं और हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो चलो इनको ऑन कर देते हैं, और जाके एंड में देखते हैं कि ये डुप्लीकेट हो भी रहे हैं या नहीं। तो जाने से पहले दोस्तों मैं ये चंक लोडर ऑन कर देता हूँ, ताकि भाई वहाँ मतलब एंड में जाने पर भी ये फार्म काम करे। और बाकी मैं एंड आ गया हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इतने सारे ये डुप्लीकेट हो रहे हैं और हमारे चेस्ट वगैरह में कलेक्ट हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा बहुत इंतज़ार करके देखते हैं कि कितने जमा हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों तकरीबन मैंने 1-2 मिनट वेट किया है, और अभी देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास कितने ब्लैक कंक्रीट जमा हुए हैं। तो इससे पहले एक शेल्कर बॉक्स तो मैंने जमा कर लिया था, और अभी जितना भी ब्लैक कंक्रीट हमारे पास जमा हुआ है उसको भी शेल्कर बॉक्स में रखवा देंगे, और फिर चलते हैं अपने घर, ताकि वहाँ पर हम ये ब्लैक कंक्रीट पाउडर है इसको ब्लैक कंक्रीट बना सकें। तो चलो दोस्तों, अभी मैं सारा का सारा कंक्रीट पाउडर ले आया हूँ एंड से, और अभी इसको कन्वर्ट करते हैं कंक्रीट में, मतलब ब्लैक कंक्रीट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मुझे ऐसा कुछ इस तरह का चाहिए सिस्टम, और पानी के अंदर ये टच हो के तो ये ब्लैक कंक्रीट बन जाते हैं, मतलब ये अभी पाउडर है तो ये पानी इसके ऊपर टच होगा तो ये कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह का सिस्टम बना देता हूँ ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक क्लिक वगैरह मैं करूँगा और वो खुद ब्लैक कंक्रीट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अभी मेरे पास जितना भी ब्लैक कंक्रीट पाउडर था मैंने उनको उठा लिया है, और अभी आप लोग देख भी सकते हो कि ये किस तरह ब्लैक कंक्रीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं कन्वर्ट करता हूँ सारों को, आप लोग देखो। तो अभी दोस्तों जितने भी मेरे पास ब्लैक कंक्रीट पाउडर थे वो मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं ब्लैक कंक्रीट में, और अभी चलो काफ़ी रात हो गई है, सो के अगले दिन चलते हैं फिर सुबह। तो चलो दोस्तों, जितना भी सामान मुझे चाहिए था मैंने सब ले लिया है, और अब चलते हैं अपने क्रीपर फार्म की तरफ, क्योंकि वहीं पे हमने बनाना है मैप। तो चलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने क्रीपर फार्म वाली साइड पे, और ये साइड पे क्रीपर फार्म भी मेरे को काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है।
तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहीं पे बनाऊँ अपना जो मैप है। तो अभी जो मैंने स्केमेटिक्स बनाई थी अपने मतलब दूसरे वर्ल्ड में, तो उसको मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ। और ये वाली भाई ये इस साइड पे है, ये क्रीपर फार्म के अंदर ही भाई चली जा रही है, तो इसको चलो दूसरी साइड पे करते हैं। और ये कुछ इस तरह की दिख रही है, आप लोग देख भी सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये स्केमेटिक्स है, मतलब बॉर्डर वगैरह मैंने दूसरे वर्ल्ड में बनाए थे, तो इनको यहाँ पे लोड कर दिया सिर्फ, ताकि एक आइडिया हो सके किस तरह मुझे बनाने हैं। तो अभी मैं इसके बॉर्डर वगैरह बना लेता हूँ। तो ये क्रिएटिव मूड नहीं है, ये है इजी प्लेसमेंट मूड है, वो इसी का ही है। आप लोग भी अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी इसके अंदर लगाना शुरू करते हैं जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं। तो चलो दोस्तों, जो भी इसके साइड वाला बॉर्डर था वो मैंने बना लिया है, और आप लोग देख भी सकते हो कुछ कुछ ब्लॉक्स रहते हैं वो मैं बाद में लगा दूंगा। और अभी जो इसके साइड वाला एरिया है उसको फिल करते हैं, आप लोग देखो। तो चलो दोस्तों, ये साइड वाला एरिया भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, अब इस पूरे एरिया को फिल करते हैं, आप लोग देखो। तो चलो दोस्तों, मैंने ये वाइट कलर तो लगा दिया है, मतलब वाइट जो हमारे पास वूल था वो हमने लगा दिया है, और कुछ कुछ भाई मैप लग भी रहा है अभी। तो जितना हमारे पास ये लाइम कॉन्क्रीट मतलब लाइम वूल है, इसको भी लगाते हैं। और आप लोग फाइनली दोस्तों, फाइनली अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हाँ भाई, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास ये जो लाइम वूल है इसकी काफ़ी कमी पड़ गई है। तो अभी देख लो आप शेल्कर बॉक्स में, ये भी खाली है, ये भी वाइट वूल है हमारे पास, लेकिन लाइम वूल की भाई काफ़ी कमी पड़ गई है। तो अभी हमें लाइम वूल भी लाना पड़ेगा, तो चलते हैं घर। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, और लाइम वूल बनता है दोस्तों ग्रीन डाई और मतलब वाइट डाई को मिला के लाइम डाई बनती है। तो अभी इनको मतलब स्मेल्ट करेंगे फर्नेस में, तो हमारे पास ग्रीन डाई मिलेगी हमें। तो अभी जितने भी हमारे पास कैक्टस जमा थे और पहले से, और अभी मैंने जितने माइन किए हैं उनको लगा देते हैं स्मेल्टिंग पे, और उस साइड पे भी मैंने कुछ स्मेल्टिंग पे लगा दिए थे। तो अभी इनको स्मेल्ट करते हैं, और स्मेल्ट करने के बाद दोस्तों मेरे पास लाइम डाई बन गई है, जितने भी हमारे पास बननी थी तकरीबन 4 स्टैक लाइम डाई बन गई है। तो इससे बनाते हैं वूल, और अभी चलते हैं वापस अपने मैप पे। तो कुछ इतना एरिया रह गया था, बाकी एरिया पे तो मैंने लगा दी थी लाइम वूल। तो अभी थोड़े से चंक वगैरह कम कर लेते हैं, ताकि भाई लैग वगैरह ना हो, मैं नहीं चाहता मेरी कोई वीडियो में लैग वगैरह आए। तो बाकी लाइम वूल वगैरह यहाँ पर लगा देंगे, और जितना भी लाइम लाया था उसको लगा के देखते हैं कि हमारे पास पूरा होता भी है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों, लाइम जो हम लाए थे पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब एक भी नहीं बचा। तो फाइनली दोस्तों, रात को हमारा कुछ मैप इस तरह लग रहा है, और भाई काफ़ी अच्छा मैप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई ज़ॉम्बीज़ वगैरह इसके अंदर सही नहीं है। तो ये सुबह मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन भाई ये जितने भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह इनको भाई हम मार नहीं, अभी एक एक करके मारेंगे तो भाई क्रीपर वगैरह फट जाएंगे। तो इसलिए मैं चला जाता हूँ थोड़ा दूर, ताकि ये सारे के सारे डिस्पॉन हो जाएं। तो अभी मैं दूर जाके वापस आया तो सारे के सारे डिस्पॉन हो चुके थे। तो अभी रात फिर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी हमारे पास टॉर्चेस वगैरह हैं मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ताकि जितने भी हमारे पास मॉब्स वगैरह हैं वो ना स्पॉन हो। तो कुछ इस तरह से हमें लाइन वाइज लगाना होगा, ताकि हर मतलब हर डायरेक्शन में ना इसकी जो जो टॉर्च की रोशनी है वो फैले। तो अभी लगाते हैं टॉर्च को। तो फाइनली अब दोस्तों पूरा का पूरा मैप कंप्लीट हो चुका है विद टॉर्चेस। तो अभी कोई मॉब इसके अंदर स्पॉन नहीं होगा। आप लोगों को मैं शेडर लगा के भी दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त मैप लग रहा है हमारा। तो अभी मैंने शेडर लगा दिए हैं, और आप लोग देखो कि कितना अच्छा मैप लग रहा है हमारा। और ये लोड हो रहे हैं, तो लोड हो चुके हैं, और आप लोग देख भी सकते हो कि कितना अच्छा मैप लग रहा है। नीचे कलर का पानी मतलब काफ़ी अच्छा टेक्सचर दे रहा है इसका।
तो अभी दूसरा शेडर मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, और ये दूसरा शेडर है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।